Welcome to CR International School online classes. Hello students, our today's topic is Kolraj Law and its application. तो देखिए जैसे लास्ट वीडियो में बेटा हमने क्या डिस्कस किया था, आप याद करिए, हमने कॉलराज लॉ डिस्कस किया था. और कॉलराज लॉ क्या था? कॉलराज ने बेटा डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी थी और उसमें जब ऑब्जर्वेशन किया तो उसने क्या पाया कि एक बार उसने क्या किया था, याद करिए, जैसे KCl और NaCl, तो Cl को कॉमन रखा तो KCl और NaCl की जो मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी थी उसमें जो डिफरेंस आया वो किसकी वजह से आया, Na और K के चेंजेस की वजह से. इज दैट क्लियर? एक बार उसने क्या रखा, Na और K तो रखा, बस Cl को हटा के दोनों जगह क्या कर दिया, Br, मतलब KBr और NaBr. तब भी उनकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी थी KBr की और NaBr की, दोनों काउंट करी और उसने देखा उनका भी जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है जो कहाँ आया, KCl और NaCl में आया. मतलब Cl और Br का कोई वो नहीं आया क्योंकि वो कॉमन थे, बदल कौन रहे थे, Na और K. इज इट क्लियर? इस तरीके से उन्होंने एक बार कैटाइन को कॉमन रखा और एक बार बेटा एनायन को कॉमन रखा और दोनों बेसिस पर उन्होंने इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाली और दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स में का डिफरेंस निकाला. और उन्होंने डिफरेंस के बेसिस पर उन्होंने अपना क्या एक लॉ बनाया बेटा, उन्होंने एक लॉ बना दिया. क्या बनाया कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास NaCl है, स्ट्रॉन्ग, पहली चीज क्या होना चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए. तो हमारे पास की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो पहले लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल क्या है बेटा, लैम्डा एम, और इनफाइनाइट लीजिए या जीरो लीजिए, ठीक है, और NaCl. तो उसकी जो टोटल लिमिटिंग कंडक्टिविटी की, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है बेटा, वो किस पे बेस्ड होगी, है ना, आपके NaIn की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है और जो हमारे पास बेटा Cl आयन की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है इस पे बेस्ड होती है. मतलब कहने का, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट जिन आयन से मिलके बना होता है उन आयन्स की अपनी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का इंडिविजुअली इंपॉर्टेंस होती है इसके टोटल में. इज इट क्लियर? मतलब NaCl पूरे की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है ना, इसमें प्रेजेंट जितने कैटाइन है और जितने एनायन है उनकी इंडिविजुअली लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पे बेस्ड होती है, उसके टोटल के बराबर होती है. क्लियर? मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, याद करिए, उसी अपनी वीडियो की लास्ट, अपने वीडियो की जो लास्ट एकदम पार्ट था उसमें याद करिए क्या दिया था मैंने, कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट. याद आया? तो हमारे पास क्या है, देखो टू एल, हमारे पास क्या है, पहली चीज भाई जो इसमें एल्यूमिनियम आयन है तो एल्यूमिनियम आयन की अपनी एक लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी. और बेटा हमारे पास क्या है, एक हमारे पास सल्फेट आयन है, सो 4-2 नेगेटिव, तो इस आयन की अपनी एक लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी. अब हमारे पास टोटल सल्फेट आयन कितने हैं, 3, तो एक आयन कितनी है, तो 3 की हमारे क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने. इज इट क्लियर? है ना, एल्यूमिनियम 2 है तो उसको 2 से कर दिया. तो एल्यूमिनियम सल्फेट में 2 एल्यूमिनियम आयन है और 3 सल्फेट आयन है. एल्यूमिनियम आयन की अपनी एक लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है और वो हमारे पास है कितने, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई किया. सल्फेट की अपनी है, उसको 3 से मल्टीप्लाई. समझ में आ गया बेटा? तो ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स आपके बुक में दे रखे हैं, एनसीईआरटी की बुक में. देखो एक एनसीईआरटी की बुक का ही एक एग्जांपल है, वो क्वेश्चन है आपके सॉल्व एग्जांपल्स में है वो, कि आपको बतानी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट. आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी बतानी है बेटा, एक तो आपको कैल्शियम क्लोराइड की बतानी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और एक आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बेटा बतानी है किसकी, मैग्नीशियम सल्फेट की, ठीक है. इन दोनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको बता दें. और ये आपको दे, इसमें दे क्या रखा है, सीएल आइन की दे रखी है आपको बेटा, कैल्शियम आइन की दे रखी है, ठीक है. आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन किस किस की है बेटा, एक आपको कैल्शियम आइन की गिवन है और वो देखो कितनी दे रखी है आपको, 119, मतलब 119 है ना, जो भी इसकी यूनिट है, मैंने अभी यूनिट स्किप कर दी है बेटा. और याद दो लिख ही देता हूँ क्या दे रखी है, कैपिटल एस सेंटीमीटर स्क्वायर और आपके पास मोल इनवर्स. और इसी तरीके से आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बेटा किसकी दे रखी है, मैग्नीशियम आयन की, ठीक है. मैग्नीशियम आयन की आपको दे रखी है कितनी, 106 एस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ठीक है. और इसी तरीके से आपको लैम्डा एम दे रखी है बेटा किसकी, सीएल आयन की, वो आपको दे रखी है कितनी, 76.3 कैपिटल एस सेंटीमीटर स्क्वायर और आपके पास मोल इनवर्स.
और एक आपको सल्फेट आयन की दे रखी है बेटा, क्लियर। तो वही सल्फेट आयन की आपको दे रखी है बेटा कितनी, 160 कैपिटल एस सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपका मोल इनवर्स। अब देखो आपके पास आपके एनसीईआरटी का ये आपके क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। नहीं ये तो मैंने जो पुराना समझाया है तो वो हुआ। अब आपको देखो सीधी सी बात है, कैल्शियम आयन की बतानी है ना, तो आप क्या करोगे, देखो बेटा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होगी हमारे, अब मैं इसके सॉल्यूशन करता हूँ है ना, कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड का किस पे बेस्ड होगा बेटा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सीएल आयन, और सीएल है कितने, टू। समझ में आ गया, पर ये मेन पॉइंट है, बच्चे आगे से उसे मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, वो केवल सी एन आयन की जो दे रखी है उसको अप्लाई कर देते हैं। तो आप देखो कैल्शियम आयन की कितनी आपको दे रखी है, 119.2 × और सी एल आयन की कितनी दे रखी है ना, 76.3। इसको आप सॉल्व कर लेना, क्लियर। चलो ऐसे देखो बेटा हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, तो यहाँ तो कोई इश्यू नहीं है, ये किस पे डिपेंड करेगा, मैग्नीशियम आयन पे, और किस पे डिपेंड करेगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये आप इस पे देखो, तो मैग्नीशियम आयन की कितनी दे रखी है बेटा आपके पास, 106, और सल्फेट आयन की आपको कितनी दे रखी है बेटा, 160। आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे इसका। तो एनसीईआरटी ये बहुत इजी क्वेश्चन है इसके, ये तो क्या है, कॉलराज लॉ जो था बेटा हमारे पास, कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसके आयंस की इंडिविजुअल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के एडिशन के बराबर होती है। ये तो लॉ था और लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है, अभी हम एप्लीकेशन की तरफ नहीं बढ़े हैं, ठीक है। अभी तो केवल कॉलराज लॉ और उसका न्यूमेरिकल हुआ, इज इट क्लियर। चलिए अब बात करते हैं कॉलराज लॉ की एप्लीकेशन पर। तो कॉलराज लॉ की बेटा जो एप्लीकेशन है वो क्या है, आपको याद हो कि जब हम वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी पढ़ रहे थे ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, ठीक है, ऑन डाइल्यूशन, हमने दो एग्जाम्पल लिए थे, एक एसीएल का एग्जाम्पल लिया था बेटा और एक हमने एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल लिया था। और आपको याद हो मैक्सिमम डाइल्यूशन पर हम बेटा केसीएल की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तो बता सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो बेटा एसिटिक एसिड की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, क्योंकि वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी 100% डिसोसिएट ही नहीं होता, और जब वो 100% डिसोसिएट ही नहीं होता अपने आयंस में, तो उसकी हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे बता सकते हैं। और आपको याद भी हो ग्राफ भी वाई एक्सिस को रीच नहीं कर रहा था, याद है कुछ, जैसे हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ इस टाइप से था, हम इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करके हम यहाँ ला सकते हैं, और दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, याद आ गया। और लेकिन जो हमारा एसिटिक एसिड का ग्राफ था वो इस हिसाब से जा रहा था, और वो ऊपर तक जाता रहेगा और वो नहीं मिलेगा कभी भी, तो हम कितना भी एक्स्ट्रा प्लॉट कर दें वो नहीं मिलेगा, याद आ गया। तो अब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बताएं कैसे, समझ में आ गया। तो देखो उसने ये यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज किया, मतलब जो कॉलराज लॉ है वो तो प्रैक्टिकल बेस्ड है, वो तो एकदम है प्रैक्टिकल बेस्ड, भाई हमने डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाली, उनको ऑब्जर्व किया है ना, फिर डिफरेंस देखा। लेकिन जो एप्लीकेशन है ये पूरा मैथमेटिकल वो है, क्या कहते हैं आपको, ऑपरेशन, इसको लिया इसलिए लिखा भी है, कॉलराज के लॉ में आप देखोगे उसको लिखा लिखे हुए भी मिलेगा, कैलकुलेशन ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन मतलब मैथमेटिक्स, ठीक है। आप देखो बेटा क्या करते हैं, देखो हमारे सामने उस टाइम ये समस्या थी ना, कि हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसको नहीं बता पाते। अब देखो मैथमेटिक्स की तरह मैं यूज करता हूँ, देखो बेटा मैंने ये चीज है, टू इक्वल टू टू होता है ना, थ्री इक्वल टू थ्री, ठीक है बेटा। तो वही चीज कि जब मैं इसी को सेम इक्वल करके ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे आपको केमिस्ट्री का दिमाग नहीं चला ना, कि हमने इसमें ये मिलाया ये ऐड किया, आप यहाँ पे बस सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन है भाई, ये एक टर्म है, जैसे मैथमेटिक्स में टू इक्वल टू टू बाई फोर इक्वल टू फोर लिखते हैं हम, तो हमने सेम इस तरीके से क्या करा, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है इक्वल करके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड ही लिख दिया, तो ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, इज दैट क्लियर। सिंपल मैथमेटिक्स, यहाँ कोई केमिस्ट्री नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं, कि भाई ये रिएक्टेंट है इसमें ये मिलाया ये प्रोडक्ट बना, कुछ नहीं, ठीक है। अब आओ देखो अगली काम हमने क्या किया, कि जो हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है बेटा एसिटिक एसिड, मैं इसमें कोई भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देता हूँ, मान लीजिए मैंने NaCl को ऐड कर दिया,
ठीक है, मैंने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसमें क्या करा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl ऐड करी और एक बार उसको डिटेक्ट कर दिया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। ये समझ में आया क्या है? जैसे मैथमेटिक्स में कभी हम RHS और LHS को प्रूव करने के लिए कभी कभी करते ना, टू को ऐड किया और टू को डिटेक्ट कर दिया सेम साइड, मतलब इक्वल किसी एक साइड या तो LHS में या RHS में, ऐसे प्रूव करने के सवाल हमारे मैथमेटिक्स में अप टू 10th तक बहुत होते हैं बेटा, है ना, अलजेब्रा में भी होते हैं, ट्रिग्नो में भी होते हैं, कि किसी चीज को प्रूव करने के लिए आप करते हो उसमें टू ऐड करते हो, टू डिडक्ट करते हो, या टू से मल्टीप्लाई करते हो, टू डिवाइड करते हो, जैसे टर्म की वैल्यू बराबर रहे, आया? तो वही सेम काम। देखो यहाँ पे हमने अब ये नहीं, यहाँ मत ये केमिस्ट्री मत सोचना कि जी एसिटिक एसिड में जी हमने NaCl ऐड कर दिया तो ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, ये वीक, केमिस्ट्री तो सोचनी नहीं है, अब तो बस मैथमेटिकल ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है। जैसे क्या, शुरुआत से देखो एसिटिक एसिड था, मैंने इक्वल करके दोबारा एसिटिक एसिड रख दिया, तो एसिटिक एसिड इक्वल टू एसिटिक एसिड, आ गया समझ में, जो इसकी मोलर कंडक्टिव वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिव वो इसकी होगी, क्लियर पॉइंट। ये तो हमें निकालनी है, इसका तो आंसर हमें अभी निकालना है। फिर हमने क्या करा, NaCl को इसमें ऐड किया और NaCl को डिटेक्ट किया, तो बात तो बराबर हो गई, आपने जितना NaCl ऐड किया और उतना ही NaCl क्या कर दिया, तो ये इक्वल हो गए, आगे समझ में, मतलब वैल्यू पे कोई फर्क नहीं आएगा। चलिए आप देखो हम क्या करते हैं, भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो आइंस में तो टूटेगा ना, क्लियर, चाहे 100% ना टूटे टूटेगा तो सही। तो हमने क्या करा, देखो एसिटिक एसिड जब अपने आइंस में टूटेगा तो आपको क्या देगा, है ना, एसिटेट आइन देगा, और आपको क्या देगा बेटा, एच आइन देगा। और कॉलराज लॉ आपसे क्या कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जब ब्रेक करता है तो वो अपने आइंस में इंडिविजुअल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के एडिशन के बराबर होता है। तो मैंने एसिटिक एसिड को एसिटेट आइन और एच आइन में ब्रेक किया, NaCl को आप बेटा इसमें करूंगा बेटा Na आइन में ब्रेक करूंगा, और मैं सेम किस में करूंगा, Cl आइन में ब्रेक करूंगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से जो दूसरा वाला NaCl है, क्लियर पॉइंट, मैं इसको अभी माइनस के ब्रैकेट कर देता हूं, ठीक है बेटा, क्लियर। तो हमारे पास क्या है, ये Na आइन वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या आ जाएगी बेटा आपके पास, है ना, Na आइन आ जाएगी, या आप सोचो इसको मैं कॉमन ही कर देता हूँ पूरा ही, हमारे पास माइनस है ना, तो हमने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na आइन, और फिर क्योंकि देखो बाहर माइनस तो ये दोनों आपस में क्या बनेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl, समझ में आ गया भाई। देखो एसिटेट आइन को, एसिटिक एसिड को एसिटेट आइन और एच आइन में ब्रेक किया, इस NaCl को Na आइन और Cl आइन में ब्रेक किया, ये माइनस से माइनस को एच सच दिया, फिर हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, फिर उसको Na आइन और Cl आइन में ब्रेक कर दिया, ठीक है। अगर अभी मैथमेटिक्स के इसमें अगर हमें चाहूँ तो इसको माइनस है तो आपको मेरे ये टर्म भी माइनस हो जाएगी और ये टर्म भी मेरी क्या हो जाएगी बेटा, माइनस, इज इट क्लियर। चलो बेटा अब हमने वही सेम कि अब ये देखो एसिटेट आइन में टूटा है और आइन रिएक्टिव बहुत होते हैं, चाहे कैटाइन हो या एनाइन हो, ये 1/10 / 1/20 सेकेंड्स में अपने आपको इलेक्ट्रॉन को लेन लूज या गेन करके क्या करते हैं बेटा, स्टेबल करने की सोचते हैं। तो अगर एसिटेट आइन दोबारा एच आइन से मिलेगा तो वही बन जाएगा। तो कभी भी एक जो आयन ब्रेक होते हैं वो आपको किसी दूसरे अपने से जहां से टूटे हैं उनसे अलग बेटा कैटाइन या एनाइन से जुड़ने की कोशिश करते हैं, अगर मिल जाए तो, नहीं मिलेगा तो फिर आपस में जुड़ेंगे, तो कोई है ही नहीं नया। तो अब एसिटेट आयन देखो बेटा किसके पास जाएगा, ये नेगेटिव है, ये किसके पास गया, सोडियम आयन के पास गया, ये एच प्लस है, ये किसके पास गया, जी सी एल आयन, तो किसी के पास भेज दो, चाहे इस एन ए आयन के पास भेजो चाहे उधर, वो तो बराबर है, क्लियर पॉइंट, एन ए आयन से मतलब है उनको। तो अब देखो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे आपका, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONa, मतलब सोडियम एसिटेट बन गया, ठीक है बेटा, और H और Cl मिलके क्या बन जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, ये HCl बन गया, ये CH3COONa बन गया। यहाँ पे कोई दोनों माइन, अभी इन दोनों को कोई मिल नहीं रहा भाई, तो ये इससे मिल गया, ये इससे मिल गया, ये तो चलो न्यूट्रल हो गया, उन दोनों से मिलने को कौन बचा, कोई भी नहीं मिला, और जब कोई नहीं मिलेगा तो 1/10 / 1/20 सेकेंड्स के बाद वो आपस में मिल जाएंगे। अब वही बात, हमने दोनों में माइनस से माइनस को कॉमन निकाल लिया, ठीक है बेटा, और हमारे पास क्या बचा फिर आपका, वही ये दोनों मिलके दोबारा कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, NaCl, तो वही ऊपर वाली सिचुएशन आ गई बेटा, क्लियर है पॉइंट, बताओ यहाँ तक, बहुत सिंपल है यहाँ तक। देखो ये तो आप ये आई थिंक 8th-9th क्लास में कर लेते, 9th में तो कर ही लेते हो मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये का मुझे पता नहीं, बट 9th में तो कर ही लेते हो, सिंपल आ गया। अब आप देखो बेटा, कल मैंने एक चीज बताई थी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड या और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बने, पहली कंडीशन दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है और वीक बेस है तो भी वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, है ना, स्ट्रॉन्ग, और अगर वीक एसिड हो जाए और स्ट्रॉन्ग बेस हो जाए तब भी वो स्ट्रॉन्ग की कंडीशन में है, अगर दोनों ही वीक हो जाए बेटा
आपके पास एसिड भी और बेस भी, तब जाके वो वीक की कंडीशन में आता है। तो आप देख रहे हो यहाँ हमारे पास क्या है, CH3COONa। अगर मैं इसको कहूं ये किससे मिलके बना है, तो आप इसमें पानी मिलाओगे, आप देख लो बेटा CH3COONa, अगर आप इसमें वाटर ऐड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, खुद देख लो बेटा। आप ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, माइनस वाला इसके पास गया तो आपको क्या बन गया, CH3COOH बन गया, और ये दोनों आपस में प्लस माइनस मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा। इज दैट क्लियर? तो देखो ये वीक एसिड है, ठीक, और ये आपके क्या पास का स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट भी क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग हुआ। तो हम बेटा इस तरीके से आपकी जो बुक होती है, टेबल्स होती हैं, उसमें बेटा इसकी मोलर कंडक्टिविटी ये स्ट्रॉन्ग है, ये आप प्रैक्टिकली पता कर सकते हो, समझ रहे, प्रैक्टिकली आप इसके लिए देखो, इसमें एक चीज स्ट्रॉन्ग हो गई, HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये भी है, NaCl एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, इसमें दोनों ही सॉल्ट, दोनों ही चीजें क्या हो गई, एसिड बेस स्ट्रॉन्ग हो गई। तो प्रैक्टिकली आप NaCl की भी बता सकते हो, आप HCl की भी बता सकते हो, आप CH3COONa की भी बता सकते हो, तीनों की वैल्यू पुट करोगे तो बेटा किसकी निकल आएगी, इधर कौन चल रहा है हमारे पास, अब देखो इधर हमारे पास कौन चल रहा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH, ओके। अब आप बताओ, आप इसकी वैल्यू पुट करो प्रैक्टिकली, आपको पता है, आपको पता नहीं तो आपके टेबल में दे रखी होती है, और ऐसा न्यूमेरिकल है, मैं अभी आपको देखो एक इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल है, आपको न्यूमेरिकल कर रहा था। तो पहले आपको ये इक्वेशन बनानी पड़ेगी, मतलब एसिटिक एसिड का बताने के लिए आपने पहले एसिटिक एसिड लिखा, उसमें एक बार NaCl ऐड किया, कोई भी स्ट्रॉन्ग कर सकते, जरूरी नहीं NaCl हो, KCl ले लो आप, कोई इशू नहीं, जो कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हो, जिसके जो ऐड करा है उसी को डिडक्ट करो, सबको आइंस में तोड़ो, प्लस माइनस को ऐड करो, बाद में एक बच जाएगा, ये माइनस वाले जो टर्म है ये एस एच बच जाएगी, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग, तीनों की वैल्यू पुट करो तो क्या आ जाएगा आपके पास, एसिटिक एसिड की आ जाएगी। देखो NCERT आपके बोर्ड एग्जाम में इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, मैं आपको वो बता, देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl आपको दे रखी है ना, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ इसी पे न्यूमेरिकल, एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl दे रखी है बेटा आपको, कितनी दे रखी है, 426, मैं यूनिट अभी छोड़ दिया मैंने इसमें बेटा, ठीक है, क्लियर। और आपके पास दूसरी क्या दे रखी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आपको बेटा दे रखी है NaCl, ठीक, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl भी आपको दे रखी है, और वो कितनी दे रखी है, 126, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONa ये भी आपको दे रखी है, और ये दे रखी है बेटा 91, ये NCERT का सॉल्ट एग्जाम्पल भी है और आपके बोर्ड एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन भी है। तो देखो आपको क्वेश्चन इस तरीके से आया है, पूरा क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं, कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड व्हेन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl इज दिस, NaCl इज दिस, एंड एसिटिक सोडियम एसिटेट इज दिस, मतलब इन तीनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इतनी इतनी है, तो आप एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करिए। तो वही बात, जब एसिटिक एसिड की कैलकुलेट करनी, ये आपको बनानी पड़ेगी पेपर पे, है ना, क्लियर पॉइंट। अब आप कैसे पहचानोगे, देखो बेटा क्वेश्चन में आपको NaCl दे रखा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो बस आप इसीलिए, अगर यहाँ पे NaCl की जगह अगर KCl दे रखा होता बेटा तो यहाँ पे भी K आ जाता, तो आप यहाँ क्या ऐड करते, KCl ऐड करते और KCl को डिडेक्ट करते, आगे समझ में। तो आपको कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना है, कौन सा डिडेक्ट करना है, ये आपको खुद वो वैल्यूज बता देंगी, आपको उसमें देखना पड़ेगा कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, समझाया, वो ऐड कर दो, वो डिटेक्ट कर दो, बस सिंपल सा। अब देखो इनकी वैल्यूज लगाओ, सोडियम एसिटेट की कितनी हो जाएगी, देखो बेटा आपको दे रखी है 91, HCl की कितनी दे रखी है 426, ठीक है, और आपके पास इसकी कितनी दे रखी है 126, आप ऐड कर दो 617 और 9 और 2 11 1 और 4 और 15, है ना, और माइनस 126, तो आप करोगे तो आपके पास देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड जो आ गई वो हमारे पास क्या आ गई, 7 और 6 में से कितना गया 1, ठीक है, और ठीक है 11 में से आपके पास 2 गए 9 दोबारा, और आपके पास ये 5 में से बन गया, इज क्लियर। तो 491 S सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपके पास क्या आ गई, मोल इनवर्स। तो आपने देखो विदाउट प्रैक्टिकली, केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे बेस्ड होके ही आपने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को बता दिया, जो केवल 100% आयन डिसोसिएट होने पे पता चलती, लेकिन ये होते नहीं है। तो बाय द कैलकुलेशन यू कैन कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इज दैट क्लियर, ओके। तो अब हमारे बेटा देखो कॉलराज लॉ, और कॉलराज लॉ की जो एप्लीकेशन है
ये आपके दोनों ही सॉल्व हो गए और दोनों पे ही छोटे छोटे इजी से न्यूमेरिकल है। और देखो मैंने आपको बोला भी, अब इसका एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे बेटा। वो हमारे पास क्या है, जैसे आपने देखा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह डिसोसिएट नहीं होता, ठीक है, कोई कितने परसेंट, मान लो कोई 60% हुआ, कोई 70% हुआ, कोई 90% हुआ, डाइल्यूशन पे थोड़ा और बढ़ गया, तो ये जब इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। चलिए तो अभी नहीं, नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं, अभी फिलहाल कॉलराज लॉ और एप्लीकेशन पूरा हुआ और इसी का पार्ट है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू, समझ में आ गया, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ओके, थैंक यू।